हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दुनिया में सबका घर सुरा बैठाए दे। इसकी तरह ऐसे हम लोग रूल्स भी तोड़ लिया करते। जो डर गया वो बच गया। नमस्कार, मैं हूं यासर उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो लॉकडाउन में घर घर बिग बॉस। ऐसा नाम क्यों? ऐसा नाम इसलिए, सफाई करनी है, लड़ाई करनी है, प्यार करना है, वो बस उस घर के अंदर होता है। और हमारे देश में भी इस वक्त क्या हो रहा है, बिल्कुल वही। इसीलिए हम आज अपने इस खास शो में बिग बॉस के कुछ खास, हर सीजन से कुछ खास प्रतियोगियों को चुनकर लाए हैं। तो अपनी यादें बांटेंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे और आपको टिप्स भी देंगे कि जब घर में बंद है 24 घंटे के लिए तो क्या क्या कर सकते हैं आप। तो शुरू करते हैं राजू श्रीवास्तव से। राजू भाई नमस्कार, क्या हाल है? भाई साहब नमस्कार। तो कैसे बीत रहा है समय आपका, क्या कर रहे हैं आप घर पर? देखिए, ये समय तो हमारी हंसी की दुकान बंद है। ये कुली और इस तरह से वॉचमैन बिल्डिंग के, ये लोग भूखे जा रहे हैं, सामान लिए हुए गांव जा रहे हैं, ये देख देख के बहुत दुख हो रहा है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि मोदी जी ने लॉकडाउन किया है, लेकिन मोदी जी ने बहुत सारी चीजें लॉकडाउन नहीं की है। जैसे कि किसी को हेल्प करना वो लॉकडाउन नहीं है। हाँ, घर घर पे आप खाना बना सकते हैं, वाइफ के साथ हाथ बटा सकते हैं, ये लॉकडाउन नहीं है। बच्चों के साथ बैठ के टाइम बिताएं, ये लॉकडाउन नहीं है। किसी को आभार व्यक्त करें, थैंक यू करें, खासतौर से मेडिकल को, मेडिकल पीपल को, या हमारे पुलिस के लोगों को, मीडिया के लोगों को, उनको थैंक यू करें। ये तो बहुत बढ़िया बात कही आपने राजू श्रीवास्तव। लेकिन राजू भाई ये बताइए कि बिग बॉस में तो हर हफ्ते कप्तान होता था और टास्क देता था, अब जब आप घर में बंद हैं और ये लॉकडाउन वाले हालात हैं, तो आपके घर में कैप्टन कौन है, सच सच बताइए। बिग बॉस 7-8 साल पहले किया था जब एक बंगले में हम कैद थे, अभी आजकल फिर वैसे ही लग रहा है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे हमारे घर वाले हमारे साथ हैं, लेकिन यहाँ पे बिग बॉस जो है हमारी पत्नी है, शिखा श्रीवास्तव, वही बिग बॉस है। इतना दौड़ा रही है यार, इतना काम पे लगा रखा है यार, थोड़ी तो दया कर दीजिए। जरा सा चाय पीने बैठे, किचन से आवाज आई, बिग बॉस चाहती है कि बच्चों के सारे कपड़े तुरंत धो दें। धो दिया भाई, चाय ठंडी हो गई, टीवी लगाया, फिर आवाज आई, बिग बॉस चाहती है कि दोनों कमरों में बालकनी में झाड़ू लगा दें। मैंने झाड़ू लगा दिया, झाड़ू लगा के हाथ धो ही रहा था सैनिटाइजर से, तो कहने लगी, जब सैनिटाइजर से जल्दी जल्दी हाथ धो ही रहे हैं, तो जब हाथ धोए तो लगे हाथ एक दो करके बर्तन क्यों नहीं धो देते। तो वो भी चल रहा है, लेकिन मैं थोड़ी चालाकी भी कर रहा हूँ यासिर भाई, थोड़ी चालाकी कर रहा हूँ। पता है क्या, आज मैंने खिचड़ी बनाई घर पे अपने हाथों से, कुकर में बनाई और बाद में थोड़ी सी जला दिया। पता है क्यों? क्यों, इनको कहीं ये ना पता चल जाए कि मुझे सब काम आता है, तो कोरोना जाने के बाद भी हमेशा ना करवाते रहे। देखिए राजू श्रीवास्तव, आप कितनी भी चालाकी कर लें, लेकिन आपकी पत्नी को पता चल चुका है कि आप झाड़ू बहुत अच्छा लगाते हैं, पोछा बहुत अच्छा लगाते हैं और खिचड़ी, खाना खिचड़ी ही सही, वो बहुत अच्छी बनाते हैं। तो जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और हालात सामान्य हो जाएंगे, तब भी आपको ये काम मिलता रहेगा। क्या इनाम सबसे ज्यादा यही मिल रहा है कि बच्चों के साथ बैठ रहे हैं, जो इनको हम लोग टाइम नहीं पाते थे, भागते रहते थे, परिवार के साथ बैठ रहे हैं। अच्छा, जब मैं लगातार परिवार के साथ बैठा, तब मुझे पता चला कि मेरे घर वाले अच्छे लोग हैं। अच्छा राजू, ये बताइए कि आप बिल्कुल ही घर से नहीं निकले, नीचे तक भी नहीं गए, किसी दुकान तक आटा दाल चावल लेने भी नहीं गए, कुछ किसी से मुलाकात हुई इस लॉकडाउन के दौरान? आज मैं अपने वॉचमैन के पास गया था बिल्डिंग में, उसको कुछ आने की चीजें देने, मैंने देखा कि उसने यहाँ पे इधर इधर साइड में, यहाँ छाती के नीचे वो टैटू बना रखा है, तो और टैटू बना हुआ है गिटार। तो हमने कहा गिटार क्यों बनवाया है, तो कह अरे अच्छा रहता है साहब, गिटार अच्छा रहता है, खाली टाइम है, मनोरंजन हो जाता है। तो हमने कहा मनोरंजन कैसे हो जाता है, ये तो टैटू है। नहीं साहब, इसको जब हम यहाँ खुजाते हैं तो बस बचता। अच्छा एक बात पूछनी और जरूरी है राजू श्रीवास्तव आपसे, कि ये जो बिग बॉस का एपिसोड आता था वो तो एक घंटे में आप चुनी हुई झलकियां दिखा देते थे दिन भर की, अब बाकी वो जो 23 घंटे 24 घंटे होते थे घर के अंदर बंद रह के,
आप लोग करते क्या थे, क्या 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 काम करते थे, कैसे बीतता था? हर देशवासी ये जानना चाहता है क्योंकि वक्त बिताए नहीं बीतरा घर पर। बिल्कुल सही बात है। जब टास्क नहीं होता था तो हमें मटर की फलियां या दे दी जाती थी कि भाई छीलते रहो। अच्छा, फिर हम क्या करते थे, एक ही जोक बार बार सुनाते थे। तो कई बार पूनम पूनम ढिल्लो कहती थी, राजू जी आप ये सुना चुके हो। और देखिए, आपकी बातें सुनकर राजू भाई, ये विंदु भी हैं, राहुल महाजन भी हैं, प्रिया मलिक भी हैं, सब सब हंस रहे हैं, सब देश में भी मुझे लगता है जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी। अच्छा, ये बताइए कि अगर लालू जी कोरोना और लॉकडाउन के लिए देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे राजू श्रीवास्तव, तो किस अंदाज में देंगे, जरा बताइए। घबराने का नहीं, सब लोग अपने अपने घर में रहिए, ऐसे छुट्टी मांगने का घूमता था यहाँ से वहाँ, है घर पे छुट्टी है, सब बच्चा लोग मजा करो, देखो कोई होमवर्क नहीं है, कोई रिवीजन नहीं, सब है, सब लोग एंजॉय करो, अपने घर के अंदर रहो, है देखो चीनी पगला दुनिया में क्यों आतंक फैलाए देश, सांप केकड़ा बिच्छू और चमगादड़ तक निपटाए देश, है पहले अपन घर फूकिस फिर दुनिया सगरी जला देश, कोरोना दुनिया में सबका घर ससुरा बैठाए देश। राजू भाई आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि जो अगली मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं वो बिग ब्रदर ऑस्ट्रेलिया वाला उसका भी हिस्सा रह चुकी हैं और भारत के बिग बॉस का भी हिस्सा रह चुकी हैं और आजकल बहुत खूबसूरत कविताएं लिखती हैं। पहले उनकी एक झलक देख लेते हैं। हाय नमस्ते, मैं हूँ प्रिया मलिक, बिग बॉस सीजन 9 की कंटेस्टेंट। प्रिया मलिक स्वागत है आपका। तो ये बताइए जो देश में लॉकडाउन चल रहा है, ये जो हालात है, इनको देखकर आपको वो बिग ब्रदर और बिग बॉस वाले पुराने दिन याद आ रहे हैं? कुछ कुछ वैसा ही है ना? जी हाँ, देश में लॉकडाउन का माहौल है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे बिग बॉस में वापस चले गए हैं। मेरा सारा समय मेरे नए बिल्ले के साथ, इसका नाम गुंडा सिंह है, इसके साथ गुजर रहा है, बिग बॉस की तरह फिर से बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा सब अपने आप कर रही हूँ। खाना मैं हमेशा से खुद बनाती थी तो उस डिपार्टमेंट में आई एम फाइन, बट या बिल्कुल बिग बॉस वाली फीलिंग याद आ रही है। और एक बात सोचिए, बिग बॉस के घर में ना इंटरनेट होता था, ना टीवी होती थी, ना किताबें और ना ही गुंडा सिंह। सो इमेजिन करिए ये सिचुएशन विद नन ऑफ दीज थिंग्स, इन सब चीजों में से कुछ भी ना हो तो सोचिए हमारा दिमाग कितना ज्यादा खराब हो जाता था। और यहाँ लॉकडाउन के माहौल में आप अपने परिवार वालों के साथ रह रहे हैं, वहां आप स्ट्रेंजर्स के साथ रह रहे होते थे, हर हफ्ते किसी एक को नॉमिनेट भी होना पड़ता था। तो अब आपको शायद समझ में आएगा कि बिग बॉस के घर में लोग इतने पागल क्यों हो जाते हैं, इतनी लड़ाइयां क्यों होती हैं। आई थिंक अब पूरा देश समझेगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को कुछ टास्क दिए हैं जैसे बिग बॉस दिया करते थे, तो उन टास्क का आप कैसे पालन कर रहे हैं हम ये जानना चाहते हैं। जी, सबसे पहला टास्क था थाली और बर्तन बजाना, मैंने बहुत जोरों शोरों से किया बिकॉज आई थिंक वो बहुत ही अच्छा काम था। और दूसरा सबसे बड़ा टास्क जो हम सब भारतवासियों को दिया गया है इस समय, वो है घर पर रहना। अच्छा, हमने राजू श्रीवास्तव से पूछा था कि उनके घर कैप्टन कौन है, यही सवाल हम प्रिया मलिक आपसे भी पूछना चाहते हैं कि ऐसे लॉकडाउन वाले हालात में आपके घर कौन कैप्टन है, किसकी चल रही है? हमारे घर का कैप्टन इस समय, जी हमारे घर का कैप्टन इस समय हमारा छोटा सा बिल्ला है। उसने पूरे घर को अपनी अपने सिर पर ले रखा है, सारा कुछ उसी के हिसाब से होता है। जब वो मियाओ करता है तब उसको खाना मिलता है, जब वो उठ जाता है तो मैं उठ जाती हूँ, जब मैं देखती हूँ बेचारा सो रहा है तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं भी सो जाऊं। यार बताइए, बिल्ले का नाम ही गुंडा सिंह रख दिया तो गुंडा ही तो करेगा ही, लेकिन तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। बहुत शुक्रिया प्रिया हमारे साथ जुड़ने का, अपना ध्यान रखिए और जाते जाते अगर अपने फैंस को कोई संदेश देना चाहती हैं तो आप दे सकती हैं। इतना ज्यादा बाहर एंग्जाइटी है, इतनी न्यूज में सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है पूरे संसार में, तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम सब कम्फर्ट ढूंढ रहे हैं फूड में, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करिए, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। बहुत खूब प्रिया। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिग बॉस के एक और पुराने प्रतियोगी राहुल महाजन। नमस्ते यासर, कैसे हो? राहुल आपके कई दोस्त हमारे साथ इस शो में जुड़े हुए हैं, देख लीजिए अगर आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर। अरे यहाँ तो विंदु भी है, राजू भी है और प्रिया भी है। नमस्ते दोस्तों।
और मैं आपको बता दूं दर्शकों कि ये राहुल महाजन जो बिग बॉस में आए थे और अब जो राहुल महाजन है, बड़ा फर्क आ गया है। अगर आप सोशल मीडिया पर इनके मैसेजेस को देखेंगे तो काफी काफी गंभीर हो गए हैं, काफी गंभीरता जो है राहुल महाजन की बढ़ गई है। राहुल, तो जो हालात है मुंबई में है, आप क्या हालात लग रहे हैं? दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा है। विश्व युद्ध, हाँ सच में विश्व युद्ध चल रहा है इंसानों और वायरसेस के बीच में, और इसमें जीत इंसानों की होगी। हम सब इस युद्ध में एक सिपाही है और हमारा काम है युद्ध में बाहर नहीं जाना, घर में रहना। यह युद्ध तभी जीता जाएगा जब हम घर में रहेंगे और ये महामारी को खत्म करेंगे घर के अंदर रह के। बहुत सरल शब्दों में सही बात कही आपने राहुल, कोरोना के खिलाफ ये युद्ध हमें जीतना ही है और घर में रहकर जीतना है, यही खास बात है। एक लाइन में कुछ कहना चाहेंगे, एक संदेश देना चाहेंगे तो क्या संदेश होगा? जो डर गया वो बच गया। अपना ख्याल रखिए और नमस्ते कीजिए और मेरी तरह वर्कआउट भी कीजिए। वर्कआउट का ये तरीका बहुत बढ़िया है राहुल, और ये मैं बता दूं अपने दर्शकों को, राहुल के डॉगी का नाम मीको है। तो राहुल का डॉगी मीको है और प्रिया मलिक की का जो बिल्ला है उसका नाम होंडा सिंह है, और ये लोग बड़ी मदद कर रहे हैं समय बिताने में इन लोगों का। आप भी ध्यान रखिए, आपके घर भी अगर कोई पेट एनिमल है तो वक्त बिताने में आसानी रहेगी। और राजू श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक और मेहमान आए हैं जिनका नाम है विंदु दारा सिंह। नमस्ते दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस के घर में मैं वापस आ चुका हूँ। लाइफ का बिग बॉस चल रहा है, घर का दरवाजा लॉक है, ना कोई बाहर जा सकता है ना कोई अंदर आ सकता है। सफर है जो यानी हम चाहते तो नहीं थे लेकिन हमें ये फेस करना पड़ रहा है, इसीलिए इसका बेस्ट से बेस्ट यूज करें। हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा कि दोस्तों से मिलना भी पॉसिबल नहीं होगा। बोलेंगे नहीं यार रहने दे, नहीं मिलना तो अपने घर में बैठ वरना हमेशा दोस्तों से मिलना चाहते थे। कभी हमने ये भी नहीं सोचा था कि माँ बाप अपनी बेटी को बोलेंगे बेटा आप ससुराल में रहो, घर बताओ। सास और ससुर अपनी बेटी को बोल रहे हैं, यानी डॉटर इन लॉ को बोल रहे हैं कि भैया मैं के मत जाना, तू हमारे घर में रह, किधर मत जा। सब लोग अपने बच्चे जो सोते रहते थे 11 बजे 10 बजे तक, निकम्मा है सोता रहता है पूरा दिन, अब चाहे वो दोपहर तक सोता रहे, लोगों से सोता रहे बेटा सोता रहे, जब मर्जी आराम से उठना, 2 बजे उठना, कोई चिंता नहीं है। तो फोन पे कोई लगा होता था बोलते पूरा टाइम फोन पे लगे रहते थे, अब बोलते भैया फोन पे लगे रहो, दोस्तों के साथ बात करते रहो, वीडियो कॉल करते रहो, जो मर्जी करते रहो, बाहर मत जाना बस। तो आई थिंक ये अलग ही टाइम चल रहा है, और हम लोग सब सोचते हैं ना कि हमें यार अपने ऐसा ऐसा टाइम चाहिए था, तो लो मौका मिला है। ये आई थिंक 14-15 अप्रैल तक ये मौका है, क्या पता थोड़ा और भी एक्सटेंड करना पड़े अगर हम लोग नहीं सुनेंगे तो। अगर सुन लेंगे तो शायद ये जल्दी खत्म हो जाएगा जनता कर्फ्यू, बट लेट्स मेक द बेस्ट। मुझे याद आता है वो राजू भैया के साथ बिताया हुआ समय याद आता है, क्योंकि वो हमेशा हंसाते रहते थे, यानी जैकवा और जलवा गए ऊपर हिलवा, पनिया भरन के वास्ते जकवा गिरगवा खुपड़िया फटकवा जिलवा आई लड़खड़ाते पूरे रास्ते। ये पोएम जो उन्होंने मुझे सिखाई थी आज तक मैं भूल नहीं पाया। आप लोगों से बातचीत करके बहुत मजा आया, बहुत सारी टिप्स भी मिली कि वक्त कैसे काटा जाए, आप लोगों से सीखना चाहिए, आप सब पुराने बिग बॉस के महारथी हैं। और जाते जाते इस शो के आखिर में राजू श्रीवास्तव मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर बिग बॉस जो बिग बॉस हैं वो अगर अपने अंदाज में कोरोना और लॉकडाउन के बारे में देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे तो कैसे देंगे? जाते जाते ये हो जाए, बिग बॉस चाहते हैं सब लोग लॉकडाउन को कड़ाई से पालन, अपने घर पे बैठे घर से बाहर नहीं, लॉकडाउन का पालन, मगर लॉकडाउन में जो चीजें शामिल नहीं उनका भी पालन, चेहरे पे स्माइल रखें, टेंशन ना लें, और खाना बनाने में घर वाली का सहयोग करें, और जो लोग इस समय लड़ रहे हैं सड़क पर हैं, फाइटर हैं, उनको आभार व्यक्त करें। बिग बॉस चाहते हैं बच्चों को भरपूर टाइम दे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हम ये शो लेकर फिर आएंगे कुछ और हस्तियों के साथ, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।